नमस्ते दर्शकों, आज दुर्गा अष्टमी है। पुनः बोलूंगी कि माँ की कृपा सब पर बनी रहे। पर मुझे तो हैरत तब होती है जब मैं देखती हूँ कि लोगों के विचार आज भी स्त्रियों को लेकर इतने ज़्यादा पुराने हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम अपना बातें करते हैं कि 21वीं सदी की और रहते हैं हम शायद 18वीं सदी में। फ्रेंड्स, आज भी लोग सोचते हैं कि साड़ी पहनकर महिला बहुत चरित्रवान हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वेस्टर्न पहनती हूँ। जिस दिन मैं साड़ी पहन लेती हूँ, मुझे इतने अपने रिश्तेदारों के और अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि वाओ, लुकिंग सुपर्ब। और वेस्टर्न पहन लेती हूँ तो ये एज, व्हाट इज एज? एज इज जस्ट गिनती, जस्ट नंबर। लेकिन आज भी हमारे समाज में कहते हैं ना कि छाछ भी पीना है और लुटिया भी छुपाना है, तो वो चीज़ मैं नहीं मानती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्त्री का हर हाल में सम्मान करो। देखिए, पर्दा नज़र का होता है, कपड़ों का नहीं होता। आज भी आप लोग लंबी मांग भरने वाली, बड़ी टिक्की लगाने वाली, कॉटन की साड़ी पहनने वाली स्त्री को सोचते हो बहुत ऊँची हस्ती है और चरित्रवान है। चरित्र आपका छोटे कपड़ों से नहीं होता है। चरित्र आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी आत्मा और आपके कर्मों से बनता है, ना कि कपड़ों से। तो प्लीज़, आज दुर्गा अष्टमी के दिन आप सब लोग संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए कि किसी भी स्त्री को उसके कपड़ों से नहीं तोलेंगे, किसी भी स्त्री को उसकी बड़ी टिक्की से नहीं तोलेंगे, किसी भी स्त्री को उसकी लंबी मांग से नहीं तोलेंगे। हो सकता है शॉर्ट कपड़ों में कोई बहुत चरित्रवान स्त्री आपके समक्ष बैठी हो, या अगेंस्ट इसके हो सकता है कि बहुत ढके मुंदे कपड़ों में साड़ी पहने कोई बहुत ही अजीबोगरीब हस्ती आपके सामने बैठी हो। स्त्री स्त्री है, स्त्री के कर्मों पर ध्यान दीजिए, ना कि ड्रेसेस पर। धन्यवाद। जाते जाते बोलूंगी पुनः, या देवी सर्वभूतेषु धर्म रूपेण संसिष्टता नमस्तस्य 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 नमो नमः। धन्यवाद।